बीजेपी पर हमलावर हुए संजय राउत, कहा राम मंदिर में सबका योगदान, हमें नहीं आया निमंत्रण, हमें इसकी जरूरत नहीं, राम मंदिर किसी के बाप का नहीं, ईवीएम है तो बीजेपी है। राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा, 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक निकलेगी यात्रा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी निकाल रहे यात्रा। मीडिया के सवालों पर शरद पवार ने कही बात, कहा राम मंदिर बना इसका आनंद है, बीजेपी राजनीति कर रही या नहीं इसका हमें पता नहीं। महायुति को सता रहा बगावत का डर, छिप छिप कर रहे समीक्षा बैठक। मुंबई में आतंकी हमलों में मारे गए कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी देगी राज्य सरकार। मुंबई में आरबीआई समेत 11 स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 3 आरोपित वडोदरा से गिरफ्तार। सेंट्रल रेलवे ने 4 मार्गों पर ट्रेन की गति बढ़ाने की बनाई योजना, रूट पर बढ़ेगी अब ट्रेनों की स्पीड। अब मुंबई से नवी मुंबई की दूरी होगी कम, इस प्रोजेक्ट के लिए एमएमआरडीए ने शुरू की रायगढ़ के लैंड पार्सल की योजना। नवी मुंबई मेट्रो में 1 महीने के भीतर 4 लाख यात्रियों ने किया सफर। महाराष्ट्र में कोरोना के आज कुल 87 नए मामले, 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, नए वेरिएंट के महाराष्ट्र में अभी तक 10 सक्रिय मरीज, राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 265 पहुंची। कांग्रेस के स्थापना दिवस यानी 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी को 138 साल होंगे पूरे, महाराष्ट्र के नागपुर में भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी। मुंबई की शबनम जय श्री राम के नारों के साथ पैदल निकली अयोध्या, हिंदू मुस्लिम एकता संदेश देते हुए यात्रा जारी, जगह जगह शबनम का किया जा रहा है स्वागत सत्कार। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए फिर किया कोविड टास्क फोर्स का गठन। पुणे के विमाननगर इलाके में सिम्बायोसिस कॉलेज के पास फटे 10 से 12 सिलेंडर, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 100 से ज्यादा अवैध तरीके से स्टोर कर रखे गए थे सिलेंडर। मुंबई की भाईकला जेल में जेल के कैदियों का तनाव कम करने के लिए जेल प्रशासन ने रेडियो जॉकी स्टेशन शुरू किया है, इसमें पहली बार कोई महिला कैदी बनी रेडियो जॉकी। वसई के बीच पर अवैध रूप से हो रही शराब की बिक्री, क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होते ही वसई के तटीय रिसोर्ट होटल और कैफे में हलचल हुई शुरू, सार्वजनिक स्थानों पर पिलाई जा रही है शराब। महाराष्ट्र के पंढरपुर में करमाला परंदा हाईवे पर एक कंटेनर और टवेरा में हुई जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित एक्मे शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग, 11 लोगों को शॉपिंग सेंटर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, इस आगजनी की घटना में कोई जख्मी नहीं। बांद्रा स्थित स्वामी विवेकानंद झील है प्रदूषण की शिकार, बांद्रा पश्चिम स्थित स्वामी विवेकानंद झील से लगातार बदबू आ रही जिससे वहां के आम नागरिक है परेशान, कार्रवाई की कर रहे मांग। विरारपुर के मनविलपाड़ा में 2 गुटों के बीच जबरदस्त झड़प, सिर पर लोहे की रॉड लगने से फूटा सिर। वसई पश्चिम के पेट्रोल पंप इलाके में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, कोई जनहानि नहीं, सभी सुरक्षित। नवी मुंबई में कबाड़ की दुकान के मालिक के खिलाफ एक महिला को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके ऊपर हुआ मामला दर्ज। वसई के नीलम पंजाब होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, जिसके बाद वहां मचा हड़कंप, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 टीमें पहुंची और काफी देर के बाद आग पर पाया जा सका काबू। सदगुरु धाम आश्रम में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज का चल रहा है कथा प्रवचन, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सफलता और भक्ति पथ पर चलने के मंत्र बता रहे हैं गुरुदेव सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज। थाने के शाहपुर सिरौली वर्लीपाड़ा में किया गया कथा प्रवचन का आयोजन। वसई विरार में मच्छरों के आतंक पर बीजेपी नेता कल्पेश पांडे और निखिल शर्मा ने दिया महानगर पालिका को पत्र, मच्छरों से निजात दिलाने के लिए दवा के छिड़काव की है मांग।